अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, मतलब मैंने उनसे सीखी, उन्होंने शायद सिखाई नहीं हो पर मेरे दिमाग में वो बातें रही। जैसे गाने में सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो ये मैंने उनसे सीखा। यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी, ये मैंने उनसे सीखा। दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना, ये मैंने उनसे सीखा, जो कि शायद और आर्टिस्टों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये चीज़ बहुत ध्यान से सीखी। गुलाम हैदर साहब से भी मैंने एक बात सीखी थी कि बोल बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें ये थी कि जहाँ बीट आता है वहाँ जो बोल आएगा उस पर थोड़ा सा जोर देना ताकि गाना एकदम उठे। दूसरा जो वो कहते हैं तो उसमें वो बिलीव इन लगता है, उसमें प्रिटेंशन कहीं नहीं है, जो उनकी अपनी शख्सियत का हिस्सा है। जिंदगी में भी कहीं कोई प्रिटेंशन नहीं है, जो हैं वैसे ही हैं। अब वो गाते हुए भी इसलिए हर एक चीज वो यकीन कर लेने को जी चाहता है कि हाँ ये जो कह रही है चांदनी रात को, जब चांदनी रात कहते हैं तो हाँ वो चांदनी रात है, वो ही होगी। यहां तक के जैसे आपसे बात हुई थी कि उनकी मुस्कुराहट उनके गाने में उनकी आवाज में दिखाई दे जाती है, और वो कितना मुस्कुरा रही हैं वो भी उसमें नजर आ जाता है अगर आप जानते हो शख्सियत को। एक बहुत ही और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट है उनकी शख्सियत को। आई नो मैं नॉट उनकी खामखा इस तरह से तारीफ नहीं कर रहा, पर वो बहुत जेनरस इंसान है, जो देने में बांटने में, और ये एलिमेंट अगर आप महसूस कर सकें तो उनके पूरे गाने में, पूरी गायकी में महसूस होता है। सब जगह हम लोग पैसे मतलब उसी वक्त नहीं लेते थे तो पड़े रहते थे प्रोड्यूसर के पास, कई जगहों पे मेरे पैसे डूब भी गए। तो बाद में जाके हमने ये शुरू किया कि भाई पैसे वक्त पे लेने चाहिए, उसी वक्त ले तो अच्छा है, पर शुरू शुरू में पैसे, पर पैसे कम आने का दुख नहीं था। उस वक्त जो काम हम लोग कर रहे थे ना उसकी एक खुशी अलग थी, पर काम इतना ज्यादा था कि सुबह दो गाने किए, दोपहर को दो किए, शाम को दो किए, रात को, तो सुबह निकले रात के 3-4 बजे घर आए, उस वक्त खाना खाया, फिर सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके रिकॉर्डिंग पे जाना है, तो फिर अपना ट्रेन पकड़ के जाते थे इधर से। उसने अपनी शोहरत को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये भी परिंदों की आवाज बिल्कुल लता की आवाज की जैसी है, तो उससे उसका आर्टिस्ट जो है वो जो गाना जो है उसका वो महफूज रह गया। एंड शी इज बीन एबल टू कंटेन हरसेल्फ, शी इज अ वेरी सेल्फ कंटेन्ड पर्सन। Sometimes ऐसा हो सकता कि she may give the image of being a complex person, कि complexes में complex नहीं है, वो अपने आप को महफूज रखना चाहती, दूसरी चीजों को अपने नजदीक आने देना नहीं चाहती। This solitude is a very essential part of all artists. एक घंटे भर की ट्रेन का सफर था, रोज सुबह उससे जाती थी और फिर रोज शाम को वापस आती थी। उनका कहना है कि जहाँ मलाड स्टेशन से बहुत दूर था स्टूडियो, जहाँ हमें रोज जाके रिहर्सल करनी पड़ती थी, सीखना पड़ता था, तो लोग वहाँ उस जमाने में तांगे चलते थे मलाड में, तो लोग उतरते थे, तांगा ले लेते थे और तांगे में चले जाते थे। मैं तो पैसे बचाने होते थे तो मैं पैदल ही जाती थी। इसमें ये किस्सा मैंने कहीं और भी सुना था कि एक मरता वो ट्रेन में ही बैठी थी तो इनका इंट्रोडक्शन हुआ। वो एक एक्टर थे, वो भी वहीं लोकल ट्रेन से ही जाता था वहाँ शूटिंग में, तो बात हुई कि सिंगर हैं
इंट्रोडक्शन किया गया और ये लता मंगेशकर नाम है इनका, अभी गा रही हैं फिल्मों में। कहने अच्छा अच्छा, अब ये क्या है कि देखिए महाराष्ट्र में गाना संगीत तो बहुत है, लेकिन ये जब हिंदी उर्दू में गाते हैं मराठी सिंगर तो कहीं ना कहीं एक्सेंट आ जाता है उनमें। ये बात जो है कुछ लता जी के दिल को छुप गई। कहने अच्छा, बाई टेम्परमेंट परफेक्शनिस्ट हैं कि जो काम करना है उसे फिर परफेक्टली ही करना है, तो वो तो नया नया जमाना था। तो इन्होंने एक उर्दू टीचर रखा और इन्होंने अपने एक्सेंट पे, अपने प्रोनंसिएशन पे काम किया। और मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, मैं राइटर हूँ, दावे से बोल रहा हूँ कि मैंने लता जी के गाने सुने हैं और आप लोगों ने भी सुने हैं, मगर मैंने आज तक कभी उनका किसी लफ्ज का मिस प्रोनंसिएशन मैंने नहीं सुना। ये गलतियाँ दूसरों से हुई हैं, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है, बड़े बड़े सिंगर से हो जाती है, लता जी में मैंने गलती नहीं देखी। परफेक्ट फ्लॉलेस एक्सेंट, जिसमें आप कह नहीं सकते कि देखिए जो लव तो ऐसा था ओरिजिनल और ये इन्होंने कुछ ऐसे खींच दिया, इसके जो वॉवल है बड़े कर दिए, इसका जो ये साउंड थी वो दबा दी, मुमकिन नहीं। ये एक्टर जिन्होंने एक जुमला बोल के उनको अल्टीमेटली रिएक्शन में परफेक्ट करवा दिया, वो भी नया नया एक्टर नहीं काम कर रहा था, सैलरी पे। उस जमाने में एक्टर स्टूडियो में सैलरी पे होती, उस एक्टर का नाम आप जानते हैं दिलीप कुमार। मैं गाने में बिल्कुल खो जाती हूँ, पर मैं ज्यादा कोशिश ये करती हूँ कि पिक्चर पे जो भी मतलब कैरेक्टर है क्या है, मतलब किस तरह का है, वो सोच के मैं ज्यादा गाती हूँ, और उसके लिए मैं पहले पूछ भी लेती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने गाना शुरू किया था तो इन बातों पे मेरा ध्यान नहीं होता था, ज्यादा ध्यान होता था गाना, हरकत, मुर्की, तान, ये कहना है वो कहना है। पर मुझे सबसे पहले मास्टर गुलाम हैदर साहब ने कहा था कि लता तुम ज्यादा ध्यान दो बोलों पे और कौन गा रहा है स्क्रीन पे। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं, वो शायद पहले पूछ लेती हैं। और उन्होंने कहा भी था एक बार कि वो पता करती हैं कि ये जो मैं गाना गाने वाली हूँ किस पे पिक्चराइज होने वाला है, तो वो उस हिसाब से, उस अंदाज से गाती हैं। ये कई बार मैंने महसूस किया और बहुतों ने, दूसरों ने भी ये महसूस किया कि गाना सुनने के बाद, पिक्चर देखने से पहले ये महसूस होता है कि ये इन्होंने मीना जी के लिए गाया है या मधुबाला के लिए गाया है या नूतन के लिए गाया है। सब लोग कहते हैं मुझे कि आपने सायरा जी के लिए गाना गाया तो आपकी आवाज उन जैसी आपने कैसे की, हालांकि आवाज नहीं करती हूँ, पर मैं जब उनके लिए गाना गाती हूँ या किसी भी स्टार के लिए गाना गाती हूँ तो शायद थोड़ा सा सोच लेती हूँ कि इनके लिए अगर मैं इस तरह गाऊं तो अच्छा लगेगा। वो आई थी उस वक्त सिंगर की कोई पोजीशन और इज्जत नहीं हो रही थी। जब ये अवार्ड शुरू हुए तो सिंगर को, सॉन्ग राइटर को, इन लोगों को अवार्ड ही नहीं दिया जाता, इनका नाम ही नहीं था अवार्ड्स की लिस्ट में। ये लता मंगेशकर का जोर था कि जिसकी वजह से सिंगर्स के अवार्ड शुरू हुए हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से लिरिसिस्ट को अवार्ड मिलना शुरू हुआ। आप लता जी का कोई इंटरव्यू देखिए, आप लता जी का कोई बयान देखिए, वो जिस इज्जत से म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करती हैं, जिस इज्जत से वो दूसरे सिंगर्स की बात करती हैं, उसी इज्जत वो हमेशा अपने राइटर्स की, जिनके गीत उन्होंने गाए, उनका नाम लेती है। और उनका ये कहना है कि गीत तो अल्टीमेटली जब तक उसके शब्द सही नहीं होंगे तो उसमें गाने में लुत्फ क्या है, और चलेगा तो वही कि जिसके वर्ड सही हैं, अच्छे हैं, कोई मीनिंग है उसमें, तब मुझे मौका मिलता है कि मैं उसे इंटरप्रेट कर सकूं, मैं उसमें कुछ बता सकूं। जो उनके उदासी के गाने हों, उनके खुशी के गाने हों, कोई से भी आप उनके गीत, उन्होंने एक एक शब्द का हक अदा किया, कोई मिसप्रोनाउंसिएशन नहीं,
और कोई गलत इच्छा नहीं। तो एक तरफ तो ये फन और दूसरी तरफ उनकी पावरफुल पर्सनालिटी, डिग्निटी। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़े कोई म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उन्होंने लता जी से एक लाइन क्रॉस की, उनका ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं, आप किसी और को ले लीजिए, और छोड़ दिया काम करना। आखिर को 2-3 साल, 4 साल बाद फिर सुलह करनी पड़ी लोगों को। बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, लता जी ने कहा मुझे रॉयल्टी चाहिए, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, उनका जी हम तो नहीं दे सकते, आपको हम फिल्म में काम देते हैं, कोई मामूली बात, आप हमसे रॉयल्टी मांगेगी, उनका तो फिर आप किसी और को ही दे दें, और नहीं किया उसके साथ काम। और फिर अल्टीमेटली उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मालूम हुआ कि लता मंगेशकर की क्या वैल्यू है, और उसे आना पड़ा।